हाँ है ना, तो अब आप मस्त होके तंदुरुस्त होके अपने घर पे बैठिए, पढ़ाई करिए, नया साल मनाइए, पढ़ते पढ़ते कुछ पढ़ लीजिए। पढ़ने का मतलब समझते हो, कुछ निश्चय करिए, क्योंकि कल मैं आपके साथ रहूँगा नहीं, कल हम क्रिकेट खेल रहे होंगे तो क्लास आपकी रखेंगे नहीं। तो कुछ ऐसा निश्चय करिए कि जीवन बदल जाए, ऐसा निश्चय करिए कि जीवन में हमें झूठ ना बोलना पड़े, हम हमेशा सच बोले, अपनी पढ़ाई के प्रति मन लगाकर मेहनत करके काम करते चले जाए, ऐसा कुछ डिसाइड करिए। बहुत कम टारगेट फिक्स करिए कि मुझे दिन में 3 घंटे पढ़ना है, लेकिन पूरा मन लगा के पढ़ना है। मुझे रात को सोने से पहले 15 मिनट मेडिटेशन करना ही है। मेडिटेशन कैसे करते हैं मुझे खुद नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अपने सांस पे कंट्रोल करने, मतलब कंट्रोल नहीं मिला, अपने सांस पे ध्यान लगाने की कोशिश करिए। धीरे धीरे उससे मेडिटेशन करते चले जाओगे, ध्यान केंद्रित होना स्टार्ट हो जाएगा। 10 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना बढ़ता उतना बढ़ाते, जो तुम्हारा दिल करे वैसे करते चले जाओ, है ना। लेकिन इस नए साल पे मेहनत करिए, इस नए साल पे आप ये दृढ़ निश्चय बांधिए कि हम इतनी मेहनत करेंगे, इतनी शिद्दत से मेहनत करेंगे कि एक भी वैकेंसी आई तो उसके लिए हमारे प्रयास ईमानदार होंगे। हम सफल हो असफल हो ये हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। जिस दिन हम ये सोचना शुरू कर देंगे कि हमें ये लेना ही लेना, इसी तरीके से करना, ये करना है वो करना, मजा नहीं आएगा। आपके हाथ में जो है आप उस पर निश्चय करिए, आपके हाथ में सिलेक्शन नहीं है, आपके हाथ में मेहनत करना है बढ़िया तरीके से, स्मार्ट तरीके से। तो आप निश्चय लीजिए कि हम अपनी मेहनत में कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे, अपने माँ बाप का सम्मान करेंगे, अपने गुरुओं का सम्मान करेंगे, अपनी विद्या का सम्मान करेंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान लगाएंगे। और फिक्स करिए कि इतने घंटे लगाने हैं और उतने ही घंटे आप मेहनत करिए, ठीक है। रोज पढ़िए, भगवान आपको 100% सिलेक्शन देगा। कहते हैं कि आपकी 1 मिनट की मेहनत भी जाया नहीं जाएगी। जरूरी नहीं कि जहां आप सोच रहे हो वहीं उसका फल मिले, कहीं ना कहीं उसका फल मिलेगा, लेकिन आपकी एक पल की भी मेहनत खराब नहीं होगी, ये तय है मेरे दोस्तों। अगर आप ईमानदारी से तरीके से काम करते चले गए तो आपकी मेहनत का फल ऊपर वाला आपको जरूर देगा और बहुत जल्दी देगा। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, आप सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, नया साल स्वस्थ से भरा हो, आपके जीवन में ढेरों खुशियां आए, आप बहुत सारे सिलेक्शन लेटर लेके बैठे हैं, आपके माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो, आपकी माता का आत्मा तृप्त हो जाए, आत्मा खुश हो जाए आपके सिलेक्शन को लेके। बस इन्हीं दुआओं के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे 1 तारीख को। आज के लिए इतना ही, जिसको मैच